Ya. हेलो गाइस, मेरी वाइफ आ रही है। हाँ चलिए ठीक, आ रही। गाइस मेरी वाइफ आ रही है। तो हम लोगों को आज क्लोरोप्लास्ट से पढ़ना है, ठीक? हरित लवक। तो हरित लवक में कौन से कलर का पिगमेंट पाया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मतलब इसमें हरे रंग के लवक पाए जाते हैं, ठीक? और हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो मैंने बताया कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक है उसमें जो हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधों की पत्तियां हरे कलर की रहती हैं, ठीक? हमें जो पौधे की पत्तियां हरे कलर की क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। और ये क्लोरोफिल करता क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है, मतलब कि क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक? और क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो एक मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। और क्लोरोफिल प्रकाश में जो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश को ग्रहण करता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो क्लोरोफिल है वह कौन कौन से प्रकाशों को ग्रहण करता है? तो कौन कौन से? बैंगनी, नीला तथा लाल रंग के। अगला है कि जो हरित लवक है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए पादप कोष्ठक का रसोई घर कहा जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल हरित लवक, वह क्या करता है? यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसको पादप कोष्ठक का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन ऑप्शन। तो किचन ऑप्शन किसको कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को कहते हैं, ठीक? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यह एक डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक? कैसा है? देखो इसमें दो रचना दो दो लेयर पाई जाती है। तो कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके बीच में क्या है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक द्रव भरा रहता है, जिसको अपन स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक? अब स्ट्रोमा में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक? और थैलाकॉइड के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये जो पूरा एक ग्रुप बनता है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना कहा जाता है, ठीक? और थैलाकॉइड के ग्रेना की संख्या, इसमें ग्रेना की संख्या कितनी होती है? तो इन ग्रेना की संख्या होती है 40 से 60 तक होती है, ठीक? अब ये जो ग्रेना ग्रेना एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनको दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? तो एक लैमेली द्वारा आपस में ये जुड़े रहते हैं, ठीक? तो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना को, रचना को क्या बोलते हैं अपन, लैमली कहते हैं। अब जो थैलाकॉइड है, तो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं? तो क्लोरोफिल के अणु लगे हुए रहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। और जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के हेड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैंने भी पहले बताया कि जो क्लोरोफिल होता है वह क्या करता है, तो यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो यहाँ पे अपना प्लास्टिड खत्म हुआ, ठीक? तो प्लास्टिक खत्म हुआ, अब आज हम दूसरा पढ़ेंगे। परेशान कर रहा भाई, अब हमें पढ़ना क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है, इसकी खोज किसने किया था? तो पोर्टर ने किया था। कब किया था? 1945 में किया था। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक? और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पाई कहाँ जाती है? तो ये कोशिका भित्ति तथा केंद्रक में, यानी कि केंद्रक के में ये कोशिका द्रव जो होता है उसमें जालनुमा संरचना में फैली रहती है।
देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से ऐसे निकलती है। हाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें बीच बीच में ये क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक, अब ये जाल जो है परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। देखो समांतर रूप से चपटी नलिकाओं में लगा हुआ है ना। ठीक, यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। तो ये किसमें सहायक होता है, तो ट्रांसपोर्ट में सहायक करता है, हेल्प करता है। ठीक, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों का परिवहन इसी के द्वारा होता है। तो जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके द्वारा होता है। और यह क्या करती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती है, सहायता करती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह क्या है कि यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल मतलब एंडोस्केलेटन ऑफ सेल्स, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्यों, क्योंकि यह क्या करती है, जो सेल्स होती है कोशिकाओं को एक यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, इसलिए इनको एंडोस्केलेटन ऑफ सेल्स कहा जाता है। अब बात करें हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये टू टाइप से होती है, यह दो प्रकार से होती है, यह दो प्रकार से होती है। कौन कौन से, पहला हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका, और दूसरी होती है खुरदुरी अंतःप्रद्वी जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दो प्रकार से होती है, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया ही था, देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से ये ऐसे ऐसे ठीक। अब ये एक साइड अपन क्या कर देते हैं, राइबोसोम के कण लगे रहते हैं, तो देखो ये इधर साइड क्या हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ ही यार, और ये क्या हो गया, स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मतलब कि जहां पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, देख लेते हैं ये कि देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, और ये क्या काम करती है, तो ये लिपिड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और ये स्टेरॉइड, तो ये लिपिड ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड के संश्लेषण में भाग लेती है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्वी जालिका, तो इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक, अगला आगे क्या, गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी अपर्चर। ठीक, यहां तक क्लियर आप लोगों को, तो गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी की खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्गी ने किया था, कब किया था, 1898 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और बेकर ने इसे क्या नाम दिया था, तो लाइकोकॉन्डिया नाम दिया था, किसने, बेकर ने, किसको, गॉल्गी बॉडी को। ठीक, और पादप कोशिकाओं में इसे क्या कहा जाता है, तो गॉल्गी बॉडी को जो पादप सेल्स होती हैं प्लांट सेल्स उसमें इसको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, और जो इसका निर्माण होता है वह किससे होता है, तो इसका निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। ठीक, अब प्रत्येक गॉल्गी बॉडी में 4 से 10 चैप्टी थैलेनुमा रचनाएं मिलती हैं जिसका सिरा फूला हुआ होता है, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। देखो ये जो रचनाएं हैं 4 से 10 होती हैं, देखो इनका जो बाहरी सिरा ऊपरी सिरा हुआ कैसा होता है, फूला हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है। देखो नाम भी लिखा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक,
अब सिस्टर्नी के पास ये छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है, ये छोटी छोटी गोलाकार रचना है, ये सिस्टर्नी के पास छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोला जाता है। ठीक, इसके फंक्शन की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो ये काम क्या करती है, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होती है और यह प्रोटीन का श्रावण करती है, सिक्रेशन करती है, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है और कोशिका प्लेट के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन फंक्शन इसके कार्य थे गॉल्गी बॉडी के। अगला आ गया क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसी लाइसोसोम नाम से स्पष्ट हो रहा है, लाइसो मतलब लाइसिस यानी तोड़ना और सोम मतलब बॉडी, बॉडी को तोड़ना या अपघटित करना। ठीक, तो देखो इसे सर्वप्रथम किसने, तो डी डुबे ने 1958 में इसको देखा था यानी ऑब्जर्व किया, और इसकी खोज किसने की, तो डी डुबे ने किया था, कब, 1958 में। लाइसोसोम कैसी होती है, तो ये छोटी झिल्लीदार रचना होती है, देखो इसमें एक ये मेम्ब्रेन से बनी हुई एक छोटी सी रचना होती है और झिल्ली के अंदर कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, ये सभी प्रकार के पेप्सिन वगैरह ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और ये निकलती कहाँ है, तो गॉल्गी बॉडी जो है, या गॉल्गी बॉडी या अंतःप्रद्रव्य ज्वालिका द्वारा निकलती है, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो मोस्टली गॉल्गी बॉडी या अंतःप्रद्रव्य ज्वालिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, वहीं से इसका ओरिजन होता है। और लाइसोसोम क्या करती है, अपने एंजाइम के कारण ये क्या करती है, अपनी जो अंतःकोश की पाचन करती है, इंटरसेलुलर डाइजेशन करती है, मतलब ये कभी कभी क्या करती है कि अपने ही सेल्स को नष्ट करने लगती है। ठीक, तो जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, सुसाइडल ऑफ बैग, किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल ऑफ बैग के नाम से, आत्महत्या की थैली के नाम से। ठीक, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उनमें भी लाइसोसोम रहते हैं जो क्या करते हैं, जो रोगाणु होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, कौन, जो ये लाइसोसोम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लाइसोसोम है वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं के अलावा जैसे आंसू हो गए, अपने आंसू में, टीयर्स में, लार ग्रंथियों में भी, तो वहां भी इनका सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि हमको हेल्प करते हैं, मतलब कि रोगाणुओं से हेल्प कराते हैं। अगला है सेंट्रोसोम, तारक काय। ठीक, तो ये प्रायः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, एनिमल्स में एबसेंट होते हैं, और ये इनके होते कैसे हैं, तो ये लंबी बेलनाकार रचनाओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, तारक केंद्रक कहते हैं। ठीक, अब कोशिका विभाजन के प्रारंभ से के समय इनका निर्माण होने लगता है, इसी सेंट्रोसोम से सीलिया और कशारिका, फ्लैजिला का निर्माण होता है। ठीक, तो जो सीलिया और फ्लैजिला देखे हो गए कई एनिमल्स, जैसे अमीबा हो गया, इनमें क्या सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो कहाँ से इनका निर्माण होता है, तो सेंट्रोसोम से ही इनका निर्माण होता है, किसका, सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक, अगला है वैक्यूल्स, रिक्तिका। तो जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका होती है, कोशिका में अनेक छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, रिक्तिकाएं बोलते हैं, और ये चारों तरफ से क्या होती है, तो मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका कलावैक्यूल्स मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, और रिक्तिकाओं के अंदर क्या होते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार के रस भरे रहते हैं, जिसको अपन सेल सैप बोलते हैं या धानी रस कहा जाता है, और इस जल में जो रस होता है, जो सेल सैप होता है, उसमें जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ उसमें सभी उसमें सैप में पाए जाते हैं। ठीक, और जो वैक्यूल होती है, तो वैक्यूल कोशिकाओं की जो स्पीति टर्जिडिटी के वो बनाए रखने में मदद करती है, तो ये क्या करती है, जो टर्जिडिटी है, स्पीति है, उसको बनाए रखने में मदद करती है, कौन, वैक्यूल्स। पढ़ेंगे हम क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, ये कोशिका द्वारा कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरी हुई पाई जाती है। तो मैंने देखो जब अंतःप्रद्रव्य जालिका अभी बताया, तो वहां उसमें मैंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहलाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम के कण बिखरे हुए पाए जाते हैं, इसलिए वह क्या कहलाता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक, तो जो राइबोसोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर बिखरे हुए पाए जाते हैं। कौन? राइबोसोम। और राइबोसोम बने किसके होते हैं? तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक, और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। एक एक्सेप्शन है कि जो हम लोगों की ह्यूमंस की मैमेलियंस की आरबीसी होती है, तो मैमेलियंस की आरबीसी में ये एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक, अनुपस्थित होती है। कौन? जो राइबोसोम होता है वह खाली मैमेलियन के आरबीसी में एब्सेंट होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है ये कितने प्रकार से होता है? तो ये टू टाइप से होता है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और दूसरा हो गया क्या? यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितने किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो इसमें 70S होता है और इसमें 18S का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, अब जो ये एस है, एस क्या कहलाती है? तो जो एस है यह एस एक स्वेडबर्ग यूनिट होती है, स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन फेज। ठीक, तो ये जो ये एस है, जो सेडवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट है, ये क्या बताता है? तो ये राइबोसोम का मतलब कि उसकी डेंसिटी या साइज बताता है। ठीक, डेंसिटी अथवा साइज। अब जैसे देखो, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक, अब जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो जो हमारे इनमें 70S है और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो ये राइबोसोम है इनमें दो सब यूनिट्स पाई जाती हैं। ठीक, तो प्रत्येक राइबोसोम में एक राइबोसोम में तो सब यूनिट पाई जाती हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये 70S हुआ, तो 70S में कौन कौन से होते हैं? तो 50S और 30S का, और 80S का जो राइबोसोम होता है तो उसमें 60S, वो 60S प्लस 40S से मिलकर बना हुआ था। अब जैसे देखो, एक लार्ज यूनिट हो गई और एक स्मॉल यूनिट हो गई, तो ये दोनों आपस में जुड़े किससे रहती हैं? तो ये दोनों आपस में मैग्नीशियम से जुड़ी रहती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दो सब यूनिट्स होती हैं वे आपस में किससे जुड़ती हैं, तो जो राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं, दो यूनिट्स होती हैं, वह किससे जुड़ी रहती हैं? तो मैग्नीशियम आयन से जुड़ी रहती हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें कि राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन की बात करें, कल कंपोजिशन, ठीक, केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर बात करें हम 80S की, तो 80S में क्या क्या पाए जाते हैं? तो 80S में 40% जो होता है राइबोसोमल होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है, और 60% क्या होता है? तो 60% प्रोटीन होता है। ठीक, 70S राइबोसोम की बात करें, तो 70S राइबोसोम में क्या होता है? तो 60% राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है,
और 40% क्या होता है, तो 40% प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम 50 की बात करें, नहीं सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, 60S हो गया, 50S हो गया, 40S। तो जो 60S का आरएनए होता है, 60S आरएनए में तो इसमें राइबोसोमल आरएनए और 5S, 5.8S का पाया जाता है। और 50S राइबोसोम में तो इसमें आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और 23S टाइप का और 5S पाया जाता है। ठीक, 40S की बात करें तो 40S में राइबोसोमल आरएनए और 18S पाए जाते हैं। और अगर हम 30S राइबोसोम की बात करें तो 30S में क्या पाया जाता है, तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और 16S का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक, तो ये रहा इनका केमिकल कंपोजिशन। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसको एक और नाम से क्या, इसको इंजन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक, इंजन ऑफ सेल्स। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है जॉर्ज पेलेडी ने किया था, जॉर्ज पेलेडी ने किया था। ठीक, अच्छा ये लिखा हुआ है। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलेडी ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेलेडी कड़वी कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को। और राइबोसोम का जो निर्माण है वह कहाँ होता है, तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। ठीक, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है, इंजन ऑफ सेल्स, इंजन ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये रहा राइबोसोम। अब अगला हम पढ़ेंगे क्या, कोश का विभाजन। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा क्या, सेल डिवीजन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए सेल डिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई सा भी जीव हो, कोई सा भी जीव है वह किससे बना है। तो कोई भी, चाहे छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा सा बड़ा जीव हो, वह किससे मिलकर के बना है, वह छो यानी कि एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। अब बात यह है कि जैसे कोई बड़ा शरीर है किसी का, कोई एक कोशिकीय जीव है, कई यूकैरियोटिक जीव है जिनमें कई कोशिकाओं से मिलकर के बने, तो उनमें जो नई कोशिका बनती है, हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि जो नई कोशिकाएं बनती है वह कहाँ से बनती है। तो प्रत्येक कोशिका जो होती है वह कहाँ से बनती है, तो प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, प्रिमेटिव सेल से पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। हाँ, तो जैसे कि अब ये नई सेल्स बनी, तो क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल से नई डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ, तो उस जो बनने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। जो पैतृक कोशिका से, जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है, तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल से जो नई कोशिका बनी, उस बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहलाते हैं। ठीक, तो पैतृक कोशिका से पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिका, नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है।
कोशिका विभाजन कहलाती है। मेरी वीडियो नहीं आ रही क्या? अच्छा, मेरा फेस नहीं दिख रहा है। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन आप जो यानी कि इसकी स्थिति के आधार पे, तो सेल डिवीजन कितने प्रकार से होते हैं? तो सेल डिवीजन जो होता है दो प्रकार से हो गया। एक हो गया समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा हो गया क्या? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन मतलब कि ऐसा विभाजन जिसमें पैतृक कोशिकाओं के समान ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है वह पैतृक जो पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स के समान ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है तो पेरेंट सेल्स से जो डॉटर सेल्स होती है उनकी कोशिकाओं की जो क्रोमोसोम की संख्या वह कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है, आधी रह जाती है। वो क्या कहलाता है? मियोसिस डिवीजन कहलाता है। तो देखो इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों को डिस्कस करेंगे। आज वीडियो भी नहीं दिख रही है तो इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आप लोगों को समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, है ना? ठीक है, तो इसके लिए हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट।